कभी कभी हम जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। एक साल पहले की बात है, मैं एक स्कूल टीचर हुआ करती थी। उस दिन एक फौजी एक छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने आया था और उस वक्त अनजाने में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका पछतावा मुझे आज भी है। वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। ये भी एक ऐसी ही गलती थी। वैसे मैडम एक बात तो है, स्कूल के पीटीआई की किसी भी गांव के सरपंच तक ज्यादा इज्जत है, पर आप क्या कर रहे हो फोन में? मुझे ना पैसे कमाने की एक नई निंजा टेक्निक पता चली है। कौन सी टेक्निक? ये देख, अपस्टॉक ट्रेडिंग ऐप प्ले स्टोर पे वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडिंग ऐप विद ओवर 1 मिलियन डाउनलोड्स, और रतन टाटा खुद भी इसके इन्वेस्टर्स हैं, तो ये बहुत ट्रस्टेड ऐप है। वो कैसे? अपस्टॉक पे डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। ऐसा करके हम 557 रुपए तक सेव कर सकते हैं और 28,000 तक के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। क्या बात कर रही है, पर इसका प्रोसेस इतना इजी नहीं होगा? ये बहुत इजी है, एंड डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए। इसके साथ मिलेंगे चार्टिंग टूल्स एंड 100+ इंडिकेटर्स भी। अच्छा, और अब तो अपस्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो अब ट्रेडिंग करना हुआ बहुत आसान। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं तो आपको 28 गुना तक ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। और ये देख, पे 249 टू गेट 400 ब्रोकेज क्रेडिट, पे 499 टू गेट 1000 ब्रोकेज क्रेडिट्स, एंड पे 999 टू गेट 2500 ब्रोकेज क्रेडिट। भाई मैडम बहुत बढ़िया ऐप बता दिया आपने, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ इसे। अच्छा तो मेरे लिटिल सोल्जर, अब आप अंदर जाओ, मैं भी चलता हूँ। ओके चाचू, फिर मिलेंगे जल्दी अगली छुट्टियों में। और हाँ, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, इस बार ना तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। ओके चाचू, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह एक आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा। ये आई एम प्राउड ऑफ यू माय लिटिल सोल्जर, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक आर्मी ऑफिसर बनो। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो, ना कि कोई आर्मी मैन। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, वरना तुम भी इन फौजियों की तरह पहाड़ों या बॉर्डर पर खड़े रहोगे। आर्मी का क्या है, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। भाई वाह, मैडम जी क्या बात कह दी आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और बच्चे तुम भीतर जाओ, मैं हूँ इस स्कूल को पीटीआई और मेरी इस स्कूल में फुल चला है। और हाँ, आर्मी में तो पब्लिक नहीं भर्ती हो जा, पेंशन के चक्कर में फिर खड़े रहे बॉर्डर पे धूल माटी में, पर मेरी लाइफ सबसे बढ़िया है। मैं इस स्कूल को हूँ पीटीआई और मेरी यहाँ फुल चला है और फुल इज्जत है। भाई वाह, पीटीआई सर जी इज्जत तो बहुत है आपकी, और आपके दिमाग के दरवाजे बंद दी हैं, ये खोलने पड़ेंगे। एक काम करो, बस के पीछे आ जाओ एक मिनट। हाँ जी बताओ क्या बात है। लो पीटीआई सर, अब आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारा काम भी होगा। अरे यू थप्पड़ बताओ क्यों मारो, आज के बाद आर्मी वाले के बारे में उल्टो मत बोल दियो। जाओ तुम भी। आप एक स्कूल टीचर है ना, ये तो माँ बाप भी सिखा देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा या कोई फिल्म स्टार बनेगा। क्या कभी आपने स्कूल में छोटे बच्चों को ये सिखाया है कि हम बड़े होकर फौजी बनेंगे? नहीं सिखाया ना। तुम्हें तो फौजी पसंद ही नहीं है ना, क्योंकि हम ना तो फिल्मी लाइफ जीते हैं और ना फिल्मी बातें करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ एक्टर्स और क्रिकेटर्स की लाइफ पसंद है। और हम अच्छे इसलिए नहीं लगते क्योंकि हम देशभक्ति की बातें करते हैं, रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो और आज़ादी तुम्हारा हक है। पर जो आज़ादी तुम्हें विरासत में मिली है ना, उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितने शहीदों के लहू से लिखी गई है आज़ादी। जीतने वाली लाइन से कभी एक कदम पीछे रुक कर देखना, जिंदगी की सच्चाई मालूम हो जाएगी। और तुमने बोला था ना, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। बेटा जब फौज में होता है ना तो माँ अच्छे से सो नहीं पाती, और जब बॉर्डर पर जंग के हालात होते हैं ना और घर में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ जाए तो सांसें रुक जाती हैं सारे परिवार की। अगर मैंने घर पर एक दिन बात नहीं की ना तो मेरी माँ खाना नहीं खाती, ना जाने कब वो गोली चल जाए जिस पे हमारा नाम लिखा हो। और तुमने ये भी बोला था ना कि आर्मी वाले बॉर्डर पर पहाड़ों पर खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने सीना तान कर हम खड़े रहते हैं। जब तुम घर में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हो ना, तब सरहद पर खड़े हर फौजी के मन में यही विश्वास होता है कि जब तक हम यहाँ खड़े हैं हमारा देश सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। पता है रेगिस्तान का टेम्परेचर कितना होता है? 55 डिग्री।
और सियाचिन में -25 डिग्री, जहाँ तुम लोग जीने की सोच भी नहीं सकते ना, वहाँ हम सर्वाइव करते हैं। अनजाने में मैं इतना कुछ बोल गई, और उस दिन मैंने ये जाना कि एक फौजी की जिंदगी क्या होती है। वो वहाँ खड़े होते हैं, तभी यहाँ हम चैन से बैठते हैं। उस दिन से मेरे दिल में फौजियों के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई। बच्चों, तुम्हें पता है हमारे सुपर हीरोज कौन है? ना, मैं बताता हूँ, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन। आज मैं तुम्हें एक सुपर हीरो से मिलाती हूँ। ये तो फौजी है। यही तो है हमारे रियल सुपर हीरोज। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमारे सुपर हीरोज क्या करते हैं? सुपर हीरोज तो लोगों की जान बचाते हैं। तो हमारे फौजी भी तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी जान बचाते हैं, तो हुए ना वो रियल सुपर हीरो। दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। उसके कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फौजियों के काफिले पर एक टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए। उस दिन सारा देश रोया था। यह हमारी सोच का फर्क है, और ये फर्क बहुत बड़ा है। एक फौजी जिन हालातों में जीता है, हम उसकी सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। बातों और हालातों में बहुत फर्क होता है। जन्म देने वाली माँ को छोड़कर वो भारत माँ की गोद में रहता है। वतन पे कोई आ जाए तो अपनी जान लुटा देता है। धन्य है वो हर एक माँ जिसने जन्मा एक शेर बेटा है। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? यार वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ कमेंट में ना जय हिंद जरूर लिखना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एप्सोक ऐप को डाउनलोड करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।